हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं ज्ञानी स्पीक्स यूट्यूब चैनल पे, मैं आपका। इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइका कोवाई किंग्स एंड सालेम स्पार्टन्स के बीच में जो TNPL का फर्स्ट मैच खेले जाने वाला है, उसी के बारे में। सबसे पहले, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और एक छोटे से फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे हम इन डेप्थ एनालिसिस के साथ हर एक मैच को आपके लिए कवर करते हैं। हम ऐसे ऐसे प्लेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं और इस वीडियो में भी देंगे, जिनका सिलेक्शन 2% 5% है, बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, बहुत यूजफुल प्लेयर हैं, तो काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना है और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को आगे एंजॉय करना है। अब देखिए, ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दिख रहे हैं शाहरुख खान, जो कि इनके टीम का कैप्टन है लाइका कोवाई किंग्स का, ठीक है। बट ये बॉलिंग उतना नहीं करते, बैटिंग टॉप ऑर्डर में जरूर करते हैं, काफी अच्छे बैट्समैन हैं, बट एक बैट्समैन को आउट होने के लिए एक ही बॉल लगता है और इस पिच पे उतना खास बैटिंग को फेवर नहीं करता है। तो क्या हम इनको छोड़ सकते हैं? क्या हम इनको छोड़ के अच्छा खासा टीम बना सकते हैं? क्योंकि क्रेडिट्स का दिक्कत आएगा इस मैच में और इनका क्रेडिट 10 है, ठीक है। अब 10 क्रेडिट में कोई बंदा अगर 25 रन 20 रन पे आउट हो जाता है तो क्या ही फ़ायदा है। अब नीचे देखिए, एक है एस मेहता, जिनका सिलेक्शन है 72% 8.5 क्रेडिट्स के है, बट इनका उतना कुछ खास रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला, ना ही मुझे उतना यूजफुल लग रहे हैं बोथ विद बैट एंड बॉल। तो क्या हम इनको छोड़ सकते हैं या फिर 72% सिलेक्शन है तो इनको लेना पड़ेगा? ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत अच्छे से देखना है, क्रेडिट्स का दिक्कत आएगा इस मैच में। अच्छा, तो इस चैनल का फर्स्ट एवर गिव अवे होने जाने वाला है आज इस पर्टिकुलर वीडियो पे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका एग्जैक्ट आंसर आपको करना है। जिसका आंसर सही हो जाएगा उनको मिल जाएगा 100 रुपीज़ का गिव अवे, प्लस नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका नाम भी मेंशन करूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ज़रूर से जो भी भाई लोग मेरे वीडियोज़ रेगुलर देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, वो पार्टिसिपेट ज़रूर करेंगे, ये मेरा आशा है। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी ड्रीम इलेवन पॉइंट्स विल विजय शंकर गिव इन टुडेज मैच, ठीक है। मतलब ड्रीम इलेवन के ऐप पे ये वाला जो मैच होगा लाइका कोवाई किंग्स एंड सालेम स्पार्टन्स के बीच में, वहाँ पे कितने ड्रीम इलेवन पॉइंट्स विजय शंकर आज के मैच में देने वाले हैं? आई होप मेरा क्वेश्चन क्लियर है आपके पास। अब आंसर कैसे करना है? ऐसे मत लिख दीजिएगा कि 40 ड्रीम इलेवन पॉइंट्स, 30 ड्रीम इलेवन पॉइंट्स, 10 ड्रीम इलेवन पॉइंट, ऐसे मत लिख दीजिएगा। आपको दो हैशटैग यूज़ करने हैं और जिनके आंसर के साथ साथ हैशटैग्स होंगे वही आंसर सिर्फ काउंट किए जाएंगे, ठीक है। हैशटैग क्या क्या होगा? हैशटैग LKK वर्सेस SS, जैसे कि मैंने लिखा है स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं। हैशटैग TNPL, ये दो हैशटैग आपको यूज़ करने हैं। उसके साथ साथ आप वो आंसर लिख सकते हैं कितने ड्रीम इलेवन पॉइंट्स विजय शंकर इस मैच में दे सकते हैं। जो भी आंसर सही होगा, एग्जैक्ट डिटो सही होगा, उनको मैं प्राइस दे दूंगा मैच के ख़त्म हो जाने के बाद, प्लस नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम मैं मेंशन कर दूंगा। तो चलिए जाते हैं मैच एनालिसिस पे। तो दोस्तों, ये मैच खेले जाने वाला है आज शाम 7:30 बजे से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। वेन्यू होने वाला है MH चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई। अब चेन्नई के ग्राउंड का स्टैटिस्टिक्स अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे टोटल 92 T20 डोमेस्टिक मैच खेले गए हैं, जहाँ पे 53 बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता है एंड 37 बैटिंग सेकंड करने वाला टीम जीता है। तो यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम का फेवर रहता है, क्योंकि पिच सेकंड इनिंग में स्लो हो जाता है। हालांकि ये फर्स्ट मैच है तो पिच मैं फ्रेश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे कुछ मैचेस नहीं हुए हैं, ठीक है। तो फ्रेश पिच फर्स्ट मैच में या सेकंड मैच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट जितना मैचेस होता जाएगा यहाँ पे, मैच नंबर 5, मैच नंबर 10, मैच नंबर 15, तो आप देखोगे कि सेकंड इनिंग में 140 का टारगेट भी डिफेंड हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जब आप मिडिल के टूर्नामेंट में जाके खेलेंगे तब आप सेकंड इनिंग में जो टीम बोली करेगा उसका स्पिनर्स एंड डेथ ओवर में जो बॉलर्स बॉलिंग करेगा, कटर्स जो अच्छे से डाल सकता है, ऐसे बॉलर्स को आप जरूर से ध्यान दीजिएगा और बैट्समैन को थोड़ा सा कम फेवर कीजिएगा, ठीक है। और मैं आज के मैच में भी बोलूँगा आपको कि जो बॉलर्स हैं एंड जो ऑलराउंडर्स हैं, जो कि अच्छे खासे टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर लेते हैं, जैसे विजय शंकर हो गए, ठीक है, ऐसे प्लेयर्स को आप CVC ज़रूर से बनाइएगा जो बॉलिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। कंप्लीट 3 से 4 ओवर बॉलिंग कर लेंगे, अच्छा खासा मीडियम फास्ट डाल लेते हैं, उतना हाई स्पीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड का उतना कुछ काम नहीं है। स्पिनर्स एंड जो बॉलर्स कटर्स डालते हैं उनको आपको फेवर करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो बात हम कर रहे थे कि एवरेज स्कोर बैट फर्स्ट करते हुए है 155, हाईएस्ट स्कोर CSK द्वारा यहाँ पे बनाया गया है 246/5, लोएस्ट स्कोर 70/10 RCB द्वारा बनाया गया था। और वहाँ पे हमने सबने देखा था कि रविंद्र जडेजा एंड इमरान ताहिर कितने बढ़िया विकेट्स लिए थे, ठीक है। तो स्कोरिंग पैटर्न अगर आप देख लेते हैं, बिलो 150 बना है 32 टाइम्स,
सबसे ज़्यादा बार बना है बिलो 150। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 150 तक भी स्कोर उतना नहीं जाता है इस ग्राउंड पे। बाकी स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 31 टाइम्स बना है, सेकंड बेस्ट। बाकी 170 टू 189 यहाँ पे 13 टाइम्स बना है सिर्फ, और एवअप स्कोर 190 गया है सिर्फ और सिर्फ 16 बार। ये तब तब होता है जब शुरू में बहुत अच्छा स्टार्ट मिल जाए, जैसे कि 110 पे कोई विकेट नहीं गिरा है, तब वो जो टीम है वो अच्छे खासे एक्सेलरेट करते मिडिल ओवर्स में आके, लोअर मिडिल ओवर्स में आके, डेथ ओवर्स में आके एंड 190 प्लस स्कोर पहुंचा देते हैं, जो कि ऑब्वियसली चेज नहीं होता। तो दोस्तों अब देख लेते हैं लाइका कोवाई किंग्स का इस साल का स्क्वाड, पिछले साल का परफॉर्मेंस, कौन से प्लेयर्स अच्छे रहे थे, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे लाइका कोवाई किंग्स इन 2019, अब देखो 2020 में कोई भी TNPL नहीं हुआ था ड्यू टू COVID-19, ठीक है। 2019 में लास्ट TNPL हुआ था, वहाँ पे इन्होंने 7 मैचेस खेले थे, 4 जीते थे, 3 हारे थे, 5th रैंक पे थे, ठीक है। तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस था आप कह सकते हैं। बेस्ट प्लेयर्स 2019 TNPL में कौन थे इनके तरफ से, शाहरुख खान जो कि इनके टीम में कैप्टन है, रन्स 241 किए थे, एवरेज 24, स्ट्राइक रेट 133, मतलब जो सातों के सात मैच खेले थे 241 रन किए थे पर मैच, आप पकड़ के चलो 30 to 35, ठीक है। बाकी ये बोलिंग भी किए थे बट बोलिंग से उतना कुछ विकेट नहीं निकालते, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। स्ट्राइक रेट ठीक ठाक है, एवरेज भी ठीक ठाक है। अश्विन वेंकट रामन जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, ठीक है, रन्स 106, 7 मैचेस में 106 रन्स किए थे, एवरेज 35 का है, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते फिनिश करते थे एंड बहुत बार वो नॉट आउट जाते थे, तो इसलिए इनका एवरेज जो है 35 है, ठीक है। बाकी टी नटराजन फिलहाल तो अवेलेबल नहीं है, लास्ट जो ईयर खेले थे 2019 में 16 विकेट्स निकाले थे सिर्फ 7 मैचेस में, तो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस थे बट फिलहाल वो अवेलेबल नहीं है ड्यू टू इंजरी, ठीक है। तो दोस्तों अब देख लेंगे स्क्वाड एनालिसिस, मतलब स्क्वाड में कौन से प्लेयर्स है और उनका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है, वो सब कुछ मैंने लिख कर रखा है आपके लिए, जितने भी प्लेयर का परफॉर्मेंस अवेलेबल था इंटरनेट पे। तो यहाँ पे बैट्समैन, ऑलराउंडर एंड विकेट कीपर एंड बॉलर, ये चारों सेक्शन में मैंने डिवाइड किया है इनके कंप्लीट स्क्वाड को। बैट्समैन में आपको दिखेंगे जो प्योर बैट्समैन है शाहरुख खान, कभी कभी बॉलिंग कर लेते हैं बट उतना बॉलिंग नहीं करते, इसलिए प्योर बैट्समैन मैं इनको कह सकता हूँ। शाहरुख खान कैप्टन है, राइट हैंडेड बैट्समैन प्लस राइट आर्म ऑफ ब्रेक, मैचेस 39 है, रन्स 400 है, एवरेज 19.67, सिर्फ 2 विकेट निकाले हैं 39 मैचेस में, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बॉलिंग उतना कुछ खास नहीं करते, ठीक है, कि इनको ऑलराउंडर गिना जाए, इनको आप प्योर बैट्समैन के हिसाब से ही गिनिएगा, ठीक है। 19 का एवरेज है, 39 मैचेस में 400 रन्स है। अश्विन वेंकटरामन जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, कभी कभी ये नंबर 3 पे भी आ जाते हैं प्रोवाइडेड कि अच्छा खासा स्टार्ट जो है टीम को मिल जाए, ठीक है। राइट हैंडेड बैट्समैन एंड मिडिल ऑर्डर बैटर, रिसेंट फॉर्म इनका अगर आप देखते हैं जो 2019 में खेला गया था, 18, 15, 45, 28 नॉट आउट एंड 35। बाकी वी गंगा श्रीधर राजू जो कि ओपनिंग करने चाहिए, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है एंड गूगली बॉलिंग भी करते हैं, बहुत रेयरली बॉलिंग करते हैं, ठीक है। लास्ट के कुछ मैचेस का परफॉर्मेंस देखोगे, एक मैच में 81 रहा था, बाकी एक मैच में 20, बाकी सब बिलो 10। ऑलराइट, तो इस बार हम बात करेंगे ऑलराउंडर्स के बारे में, कौन से टीम का ऑलराउंडर, लाइका कोवाई किंग्स के टीम में जो भी ऑलराउंडर्स हैं, जितने भी ऑलराउंडर्स हैं उनके बारे में, ठीक है। अब पी शिजित चंद्रन क्या है कि बॉलिंग तो कर लेते हैं बट उतना बॉलिंग नहीं करते, ये शाहरुख खान की तरह ही है, बहुत रेयरली बॉलिंग डालेंगे, ठीक है। ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन है। रिसेंट फॉर्म अगर देखते हैं जो कि 2019 में खेला गया था, 321, 25, 39, 0, ठीक है। बाकी बी साई सुदर्शन क्या है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एंड लेग ब्रेक बॉलर। इनका कुछ स्टैटिस्टिक्स मुझे नहीं मिला है अब तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बाकी अगर मुझे मिलता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं भेज दूंगा इनका स्टैटिस्टिक्स, अगर मुझे मिलता है तो, ठीक है, मैं ढूंढूंगा, अगर मुझे मिलता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे वो स्टैटिस्टिक्स मैं भेज दूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा, चाहो तो जाके जुड़ सकते हो, ठीक है। बाकी एन सिल्वा कुमारन जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है एंड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है रविंद्र जडेजा की तरह, ठीक है। इनका रीसेंट फॉर्म अगर आप उठा के देखोगे तो 11 रन किए थे, 35 रन्स देके कोई भी विकेट नहीं निकाल पाए थे 4 ओवर्स में, ये सारे के सारे जो स्टैट्स है वो 4 ओवर्स कंप्लीट करने के बाद ये विकेट निकाले हैं, ठीक है। 1 for 18, 2 for 27 एंड 21 रन्स एंड 4 for 27, ऐसा इनका रीसेंट परफॉर्मेंस रहा है। बाकी एम ए अतीक उर रहमान, राइट हैंडेड बैट्समैन एंड राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर, मिडिल ऑर्डर में जो है बॉलिंग करते हैं, 3 ओवर आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करते हो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, हालांकि रीसेंट फॉर्म एंड स्टैटिस्टिक्स मुझे इनका भी कुछ खास नहीं मिला है। बाकी अभिषेक तनवर ये क्या करते हैं, ये बॉलिंग को ओपनिंग करते हैं प्लस डेथ में भी डालेंगे, राइट आर्म मीडियम बॉलर है, आप अगर बॉलिंग फर्स्ट आता है तो ज़रूर से अभिषेक तनवर को एक विकेट ज़रूर से लेंगे, तो इनको टीम में रखना है तब, ठीक है। बैटिंग उतना कुछ खास नहीं करते, 7-8 नंबर पर बैटिंग करेंगे, बैट घुमा लेते हैं बट 5 से 10 तक आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं यू मुखिलेश। अब यू मुखिलेश का क्या है, राइट हैंडेड बैट्समैन एंड राइट आर्म ऑफ ब्रेक बोलर। जी अरविंद राइट हैंडेड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम बोलर। जी गोशित सुभाष राइट हैंडेड बैट्समैन एंड लेग ब्रेक बोलर। इनका सिर्फ एक ही बॉलिंग का परफॉर्मेंस मुझे दिखा जो कि 2/36 है, बाकी बैटिंग से मुझे कुछ ठीक ठाक परफॉर्मेंस लगा, 21, 23, 8, 2, 0। बाकी नीचे से कोई भी प्लेयर का अभी तक स्टैट्स मुझे नहीं मिला है। प्लेयर रोल्स मुझे मिल गए थे बट प्लेयर स्टैटिस्टिक्स मुझे नहीं मिले। अगर वो सब मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर से टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। अगर इनमें से कोई खेलता है तो प्लेइंग 11 आने के बाद मैं टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से भेज दूंगा, आप जाके जुड़ सकते हो, ठीक है। बाकी इनके टीम के जो मेन विकेट कीपर एंड बॉलर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। मेन बॉलर जो है एस अजीत राम, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, 2/12, 1/17, 2/17, 0/9, 1/34। लगभग हर मैच में एक विकेट तो ज़रूर से निकालें, दो विकेट भी निकालते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है और स्पिनर्स को इस ग्राउंड पे फेवर मिलेगा, तो एस अजीत राम को नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर एक विकेट भी ले गए और LBW बोल्ड कर गए तो 33 पॉइंट्स देके जाएंगे, ठीक है। बाकी टी नटराजन फिलहाल तो नहीं है बट इनके टीम में है। के विघ्नेश जो कि राइट आर्म मीडियम है, डेथ ओवर्स में डालते हैं, शुरू के ओवर्स में भी डालते हैं, ठीक है। 11 मैचेस में 15 विकेट, इनको भी नहीं छोड़ना है, काफ़ी हाई परसेंटेज है इनका और सही भी है, ठीक है। तो ये हो गया इनके बॉलर्स, इनके मेन बॉलर्स जो एस अजीत राम ज़रूर से खेलेंगे, के विघ्नेश ज़रूर से खेलेंगे, ये दोनों को लेना है आपको, ठीक है। बाकी विकेट कीपिंग सेक्शन में सुरेश कुमार खेल सकते हैं जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है। रीसेंट फॉर्म इनका कुछ नहीं मिला मुझे खास। बाकी आर केविन है, इनका रीसेंट फॉर्म मिला बट उतना कुछ खास नहीं लगे। नंबर 7 पे बैटिंग करते हैं, 4, 6, 2, 1, 5, 6, 8 ऐसे करके रन बनाए हैं कुछ रीसेंट मैचेस में, तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, 86% का सिलेक्शन है। बाकी सुरेश कुमार अगर खेलते हैं ना मुझे इनसे ज़्यादा बेहतर लगते हैं सुरेश कुमार, तो सुरेश कुमार अगर खेलते हैं तो ज़रूर से ध्यान रखना, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। बाकी इनका प्रोबेबल प्लेइंग 11 अगर मैं डिस्कस करूं तो शाहरुख खान ओपनिंग करने चाहिए गंगा श्रीधर राजू के साथ, अश्विन वेंकटरमन शुड कम एट नंबर 3, अतिकुर रहमान एट नंबर 4, सुरेश कुमार और आर केविन जो इनके विकेट कीपर है दोनों उनमें से कोई एक, फिर यू मुखिलेश, फिर एन सिल्वा कुमारन, बाकी अभिषेक तनवर, जी आर मनीष, वी युधीश्वरन एंड कृष्णमूर्ति विघ्नेश। तो ऐसे इनका जो है प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहना चाहिए। बाकी इनमें से अगर कोई चेंज होता है ऑब्वियसली टॉस के बाद प्लेइंग 11 हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे सैलेम स्पार्टन्स के बारे में। अब सैलेम स्पार्टन्स क्या है, यह है फॉर्मर टूटी पेट्रॉइड्स। अब इसका बोलने का मतलब क्या है, फॉर्मर टूटी पेट्रॉइड्स मतलब टूटी पेट्रॉइड्स नाम का एक टीम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था जब 2019 में लास्ट बार TNPL खेला गया था, पर TNPL में कुछ फिक्सिंग के जो है आरोप उठे थे टूटी पेट्रॉइड्स के अगेंस्ट, तो इसलिए उनके फ्रेंचाइज को नाम बदल करके सैलेम स्पार्टन्स बनाया गया है और फ्रेंचाइज के जो ओनर है उनको भी चेंज कर दिया गया, ठीक है। प्लेयर्स वही हैं लगभग, बट जो ओनर है एंड जो फ्रेंचाइज नेम है वो चेंज कर दिया गया, तो इसलिए नया नाम के साथ सैलेम स्पार्टन्स इस मैच में खेलेंगे। इनका प्रीवियस नाम था टूटी पेट्रॉइड्स। जितने भी टूटी पेट्रॉइड्स का आप अगर देखोगे इंटरनेट पर रिकॉर्ड्स प्रीवियस TNPL मैचेस, तो यही टीम है, ठीक है। बाकी यहाँ पे उन्होंने 7 मैचेस खेले थे 2019 में, 2 जीते थे, 5 हारे थे, रैंक था 6th, ठीक है। बाकी ए श्रीनिवासन इनके टीम के तरफ से टॉप बैट्समैन थे, 246 रन्स किए थे 7 मैचेस में, एवरेज 35 का था। टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, ज़रूर से CBC बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट मैच है, फ्रेश पिच है, तो अच्छा खासा बैटिंग आपको दिख सकता है, एटलीस्ट 160 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और ऐसे बैट्समैन जो कि टेक्निकली अच्छे हैं अच्छा कर सकते हैं। एच गोपीनाथ जो कि ओपनिंग करेंगे प्लस विकेट कीपिंग भी करते हैं, ठीक है, जिस मैच में ये खेलते हैं विकेट कीपिंग भी करते हैं प्लस बहुत अच्छे ओपनिंग बैट्समैन हैं, काफ़ी अटैकिंग खेलते हैं, ठीक है। अगर इनको 25-30 बॉल मिल गया तो 45-50 रन्स कर जाएंगे, ऐसे बैट्समैन हैं। एम गोमेश मूर्ति लास्ट ईयर जो 7 मैचेस खेले थे एंड यहाँ पे इकोनॉमी था इनका 7.03, स्ट्राइक रेट था 31 का। बाकी यहाँ पे हम सैलेम स्पार्टन्स का स्क्वाड एनालिसिस देख लेते हैं, जहाँ पे बैट्समैन बॉलर एंड विकेट कीपर सेक्शन मैंने अलग करके रखा है, ऑलराउंडर सेक्शन भी, टोटल 4 सेक्शन है। बैट्समैन सेक्शन में आपको दिख जाएंगे एस अभिषेक जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कभी कभी कर लेते हैं, ज़्यादातर ये बैट्समैन ही है। 15 मैचेस 150 रन्स, एवरेज 15, हाईएस्ट 46। एम विजय कुमार जो कि ओपनर है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, रीसेंट फॉर्म इनका अगर देखोगे तो 0, 0, 8, 35, 17, 1, 46, 43, मगर मतलब इनको अगर अच्छा खासा स्टार्ट मिल जाता है 10, 15, 20 रन का तो ये 35, 40, 45 भी करते हैं। अगर जाना होता है तो जल्दी जाते हैं 0 या फिर 5 के अंदर, ठीक है।
नंबर तीन पे जी किशोर जी। अच्छा नंबर तीन पे मतलब ये नहीं कि नंबर तीन पे बैटिंग करेंगे, मैंने रैंडमली ये लिखा है, ठीक है। जी किशोर जी ओपनिंग बॉलर हैं, जितना मुझे ये दिखा, ये इनके कॉलेज के मैचेस मुझे दिखे, ठीक है, ये कुछ खास स्टेट्स मैचेस नहीं खेले हैं, तो कॉलेज के मैचेस से मैं ये परफॉर्मेंस दिखा रहा हूँ जी किशोर जी का, जो कि 8 मैचेस खेले हैं, 8 इनिंग्स 96 रन्स, एवरेज 13.23, हाईएस्ट 65, 8 इनिंग्स में 10 विकेट निकाले हैं, जो इनके कॉलेज का टूर्नामेंट चल रहा था वहाँ पे, ठीक है। रिसेंट 10 मैचेस सॉरी रिसेंट फॉर्म इनका है 10 रन प्लस 1 विकेट, 1 विकेट 16 रन देके 4 ओवर में, 1 विकेट 3 रन देके 2 ओवर में, 1 विकेट 15 रन देके 3 ओवर्स में, एंड 1 विकेट 17 रन देके 4 ओवर में। तो ये 3 से 4 ओवर करते हैं, ओपनिंग बॉलिंग करते हैं एंड मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, तो जरूर से इनका ध्यान रखना है, बैटिंग भी कर सकते हैं, नंबर 6 पे नंबर 7 पे आके बैटिंग कर लेते हैं। तो जी किशोर जी काफी अच्छे पिक साबित हो सकते हैं ग्रैंड लीग का। बाकी नेक्स्ट है ए आरिफ। ए आरिफ क्या है, राइट हैंडेड बैट्समैन, विकेट कीपर है, लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, इनका कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, 4-2-4-0 रिसेंट फॉर्म इनका रहा है, ठीक है। एम सुगनेस, इनका कुछ रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला, हालांकि प्लेयर रोल मुझे मिल गया है, राइट हैंडेड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम। अभिनव बिश्नु राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एंड लेग ब्रेक बॉलर है, इनका भी कोई स्टैटिस्टिक्स मुझे नहीं मिला, इनमें से कोई भी प्लेयर का स्टैटिस्टिक्स अगर मुझे मिलता है बार बार ढूंढने के बाद, अच्छे खासे तरीके से मैं ढूंढने का कोशिश करूंगा आपके लिए, तो जरूर से मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, ठीक है। ए वी रत्नम राइट हैंडेड बैट्समैन प्लस विकेट कीपर, बैट्स एट नंबर 4, कंसिस्टेंटली बैटिंग ये नंबर 4 पे किए हैं, ये ना जो कॉलेज टीम था, कॉलेज टूर्नामेंट था, उनके टीम के ये कैप्टन थे, तो एक टीम का अगर कैप्टन होगा तो अच्छे खासे बैट्समैन होने चाहिए। रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक रहा है, 16-42-20। अब देख लेते हैं ऑलराउंडर्स के बारे में। ऑलराउंडर्स अक्षय वी श्रीनिवासन बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, इनको सीवीसी बना के चलना है, कभी कभी बॉलिंग कर लेते हैं बट ज़्यादातर केसेस में ही बैटिंग से ही पॉइंट्स देते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, शायद बैटिंग सेक्शन में मिल जाए ड्रीम इलेवन में, बट ये काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, ज़रूर से सीवीसी बना के चलो, आपको फ़ायदा मिलेगा। बी प्रनीश लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड बैट्समैन एंड राइट आर्म मीडियम डेथ बॉलर है, ठीक है। जितने भी इनके मैचेस मैंने देखे हैं, इनके परफॉर्मेंस सारा का सारा डेथ बॉलिंग में आया था, ये 2-3 विकेट डेथ बॉलिंग करते हुए आया था। अगर इनका टीम बॉलिंग फर्स्ट करता है और इनको खिलाया जाता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते डेथ बॉलिंग करेंगे। बी प्रनीश ग्रैंड लीग में जरूर से ट्राई करना, स्मॉल लीग में चाहो तो ट्राई कर सकते हो, राइट आर्म मीडियम है। रिसेंट फॉर्म 0-22, 2-33 and 3-29। मुर्गन अश्विन सबके मतलब सबको पता है इनके बारे में, लेग ब्रेक बॉलिंग करते हैं, पंजाब के लिए भी खेलते थे आईपीएल में, 77 मैचेस में 76 विकेट्स है, मेन बॉलर है, जरूर से अपने 4 ओवर कोटे का करेंगे तो आप जरूर से वाइस कैप्टन बना सकते हो वाइल्ड बॉलिंग सेकंड। बाकी नीचे आपको दिख जाएंगे एस भूपालन। एस भूपालन क्या है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एंड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, ज़्यादातर केसेस में ये परफॉर्मेंस देते हैं सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग से, ठीक है, तो आप इनको एज बॉलर ही कंसिडर करके चलो, ग्रैंड लीग में ट्राई करना है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, तो 2-23 रिसेंट फॉर्म है एंड 0-18 है 2 ओवर करके। अगर इनको कंप्लीट मिलता है ओवर्स तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1 विकेट लेके जा सकते हैं, स्पेशली वाइल बॉलिंग सेकंड। वाशिंगटन सुंदर, इनके बारे में भी बोलने का कुछ ज़्यादा मतलब है नहीं, इंडिया की तरफ से टेस्ट मैचेस में भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं एंड बहुत अच्छे खेलते हैं। बाकी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, 98 मैचेस में 61 इनिंग्स रन से 866 एवरेज 20 का एंड 96 इनिंग्स में 74 विकेट्स निकाल चुके हैं। बाकी नीचे आपको दिख जाएंगे डैडियल एस्फेडियो। डैडियल एस्फेडियो क्या है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, मिडिल ऑर्डर्स में ये बैटिंग करते हैं, 5 मैचेस 4 इनिंग्स रन्स 51 एवरेज 12.75, उतना कुछ खास रिकॉर्ड इनका नहीं है। विजय शंकर इनके बारे में बात करके फायदा है नहीं, राइट हैंडेड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम बॉलर नंबर 3 से 4 तक खेलेंगे, 105 मैचेस में 81 इनिंग्स रन्स 1515 एवरेज 24 एंड 59 इनिंग्स में 33 विकेट्स निकाल चुके हैं, सीवीसी ऑप्शन है, ठीक है। बाकी यू सुशील, ठीक है, ये विकेट कीपिंग से आपको पॉइंट्स देंगे, बाकी बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं। रिसेंट फॉर्म 21-4-1-2-12-11 ऐसा है। शुभम मेहता जिनका 72% सिलेक्शन है, वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया था, इनका कुछ खास रिकॉर्ड मुझे बिल्कुल नहीं मिला, बाकी राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम बॉलिंग कर लेते हैं। बाकी शुभम मेहता के ठीक नीचे और एक इंपॉर्टेंट बॉलर आपको दिख जाएंगे, जो कि है गणेशन पेरास्वामी। गणेशन पेरास्वामी क्या है, राइट हैंडेड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम बॉलर है, इनिशियल ओवर्स में भी डालते हैं, मतलब बॉलिंग से ओपनिंग भी करते हैं, डेथ ओवर्स में भी डालते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाते हैं आपके लिए। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखेंगे, हर एक मैच में लगभग इनका विकेट आपको दिख जाएंगे, किसी किसी मैच में तो गुच्छे में विकेट निकाले हैं, तो 1-10 2 ओवर्स में, 1-17 2 ओवर्स में, 0-17 1.2 ओवर्स में, 0-14 2 ओवर्स में, 1-16 3 ओवर्स में, 2-35 4 ओवर्स एंड 1-16 3 ओवर्स, 3-36 4 ओवर्स, 5-15 4 ओवर्स। तो अगर इनको 4 ओवर कंप्लीट करने को मिलता है तो 2-3 विकेट निकाल सकते हैं, तो ज़रूर से इनका ध्यान रखना है, स्पेशली ग्रैंड लीग में तो ज़रूर से ध्यान रखना है, ठीक है।
बाकी नेक्स्ट है टीडी लोकेश राज, जैसे कि आप देख सकते हैं लोकेश राज का क्या है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, राइट आर्म मीडियम बॉलर है, इनिशियल प्लस डेथ ओवर्स में डालते हैं, रीसेंट फॉर्म 1 for 35 in 3 overs, 0 for 26 in 3 overs, 3 for 31 in 4 overs, 0 for 9 in 2 overs. अगर इनको भी कंप्लीट 4 ओवर करने को मिलता है, 1 से 2 विकेट निकाल सकते हैं। डेथ ओवर्स में कभी कभी डालते हैं, ज़्यादातर केसेस में इनिशियल ओवर्स डालते हैं प्लस मिडिल ओवर्स में डालते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे एच गोपीनाथ आपको दिख जाएंगे जो राइट हैंडेड बैट्समैन, ओपनिंग करेंगे प्लस विकेट कीपिंग से भी आपको पॉइंट्स देंगे। अगर बैटिंग सेकंड होता है तो अच्छे खासे ये करते हैं हमेशा, बैटिंग फर्स्ट में भी ठीक ठाक करते हैं, बैटिंग सेकंड में ही ज़्यादा अच्छा करते हैं स्टैटिस्टिकली, ठीक है। बाकी इनका रिसेंट फॉर्म अगर आप देखते हैं 0, 16, 53, 45, 182, 55, 37, 425, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े इनिंग्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे 53, 45, 82, 55 एंड 37, 25 भी ठीक ठाक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस देते हैं, विकेट कीपिंग का भी पॉइंट्स देंगे, तो जरूर से एक बहुत अच्छे सीवीसी ऑप्शन आप कह सकते हैं, ठीक है। बाकी एम गणेश मूर्ति जो कि लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करेंगे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बोलिंग कर लेते हैं, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, 4 ओवर में 1 for 25 plus 15 runs किए हैं नेक्स्ट मैच में एंड 27 runs देके कोई भी विकेट नहीं निकाले हैं, 4-4 ओवर लगभग कंप्लीट हर एक मैच में किए हैं, 1 for 14 plus इधर से बैटिंग से भी पॉइंट्स दे देते हैं, कभी कभी 15, कभी कभी 17, कभी कभी 35, बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। एक मैच में 2 विकेट निकाले हैं और एक मैच में 2 विकेट निकाले कंप्लीट 4 ओवर करते हुए, स्पिनर्स का हर मैच में आपको ध्यान रखना है, इस टूर्नामेंट में बहुत काम दे सकते हैं आपको, ठीक है। सबसे नीचे आपको दिख जाएंगे आर कार्तिकायन, ये क्या है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है प्लस लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बोलिंग करते हैं, बैट्स एट नंबर 5, मतलब नंबर 5 से 6 तक आप इनको बैटिंग से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये बोलिंग लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करते हैं, 3 से 4 ओवर हर मैच में कंसिस्टेंटली, विकेट भी निकालते हैं, ठीक है। रिसेंट फॉर्म अगर आप देखेंगे तो 19 runs किए हैं प्लस 1 विकेट निकाले हैं 3 ओवर्स बॉलिंग करते हुए, और एक मैच में 13 runs किए हैं, 1 विकेट निकाले हैं, सिर्फ 16 रन देके 4 ओवर बॉलिंग किए थे। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा था वीडियो के शुरू में, शाहरुख खान 10 क्रेडिट के हैं और आर कार्तिकायन अगर आप देखेंगे तो 9 से 8.5 क्रेडिट्स के हैं, तो इनको अगर आप लेते हो तो शाहरुख खान अगर 20-25 रन बना के आउट हो जाते हैं और ये एक भी विकेट निकाल जाते हैं तो शाहरुख खान से ज़्यादा पॉइंट्स देके जाएंगे। तो ऑब्वियसली इसी चीज़ का मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा लॉजिक अगर आप अप्लाई करते हैं और थोड़ा सा डोमेस्टिक प्लेयर्स के बारे में अगर आपको नॉलेज होता है तो ज़रूर से आप अच्छा कर सकते हैं ऐसे मैचेस में। तो दोस्तों इनके प्लेइंग 11 के बारे में अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, तो एच गोपीनाथ जो कि बहुत अच्छे अटैकिंग बैट्समैन है प्लस विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। अक्षय श्रीनिवासन सीवीसी ऑप्शन, विजय शंकर सीवीसी ऑप्शन, डैडियल फेडालो आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में, मुर्गन अश्विन वाइल बोलिंग सेकंड इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वाइस कैप्टन ऑप्शन, बोलिंग फर्स्ट में ही बना सकते हो, मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा बोलिंग सेकंड में क्योंकि पिच से फेवर मिल सकता है। बाकी शुभम मेहता इनका मुझे कोई खास स्टैटिस्टिक्स नहीं मिला, रवि कार्तिकायन जैसे कि मैं बता रहा था काफ़ी अच्छे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, आरिफ एंड सुशील दोनों में से कोई एक खेल सकते हैं या फिर कोई भी नहीं खेल सकता है, ठीक है। बाकी पेरिवस स्वामी ये डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगे प्लस इनिशियल ओवर्स में बॉलिंग करेंगे, राइट आर्म मीडियम है, आप ट्राई कर सकते हो। गणेश मूर्ति भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन है, लोकेश राज एवरेज ऑप्शन है, आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा फर्स्ट टीम कॉम्बिनेशन मैंने कुछ ऐसा बनाया है जहाँ पे मैंने थोड़ा सा शाहरुख खान के ऊपर रिस्क लिया है, जैसे कि मैं वीडियो के शुरू में ही बताया था कि अगर शाहरुख खान के ऊपर आप रिस्क लेते हो तो काफ़ी अच्छे टीम कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने 3 बेस्ट ऑलराउंडर लेने का कोशिश किया है जो बैटिंग एंड बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट्स दे सकते हैं, बॉलिंग का कोटा 3 से 4 ओवर करते हैं प्लस बैटिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट्स दे सकते हैं, ऐसे मैंने प्लेयर्स लिए हैं। बाकी एस अजीत राम को नहीं छोड़ना है मुझे बॉलिंग सेक्शन में, प्लस के विघ्नेश को भी इनके टीम से दोनों को नहीं छोड़ना है, ठीक है। मुर्गन अश्विन को आप हरगिज नहीं छोड़ सकते ऐसे पिच पे जहाँ पे वो काफ़ी अच्छे खेले हैं एंड काफ़ी बार खेले हैं, ठीक है। बाकी जी पेरियस्वामी जिस तरीके से बॉलिंग करे थे एंड डेथ ओवर्स में डालते हैं प्लस इनिशियल ओवर्स में भी डालते हैं, कैचिंग से भी आपको पॉइंट्स दे सकते हैं, तो ज़रूर से जी पेरियस्वामी को भी लेना है। बाकी यहाँ से बैटिंग सेक्शन में ये 3 बेस्ट बैट्समैन हैं जिनका सिलेक्शन भी बहुत अच्छे खासे हैं, तो इन 3 तो डिफॉल्ट पिक हैं, इन 3 को आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। बाकी गंगा श्रीधर राजू को मैंने थोड़ा सा छोड़ा है क्योंकि क्रेडिट्स मेरा मैनेज नहीं हो रहा था, आप ज़रूर से गंगा श्रीधर राजू को भी ले सकते हो, उतना कंसिस्टेंट नहीं है, मुंह उठा के मारने जाते हैं, इसलिए मुझे वैसे प्लेयर बिल्कुल भी पसंद नहीं, आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, उनका भी सिलेक्शन 80-85% है, ठीक है। दोस्तों ये है मेरा टीम कॉम्बिनेशन नंबर 2 जहाँ पे मैंने पिछले जो टीम है वहाँ पे कुछ प्लेयर्स ट्राई नहीं कर पाए थे, इस टीम में भी मैंने शाहरुख खान को छोड़ा है। अब इस टीम में मैंने कौन से चेंजेस किए हैं, यहाँ पे वेंकट रमन को हटा के गंगा श्रीधर राजू को ट्राई किया है जो कि मुंह उठा के मारने आते हैं, एंड यहाँ पे वाइस कैप्टन ऑप्शन मैंने चेंज किया है, 2 विकेट अगर निकाल जाते हैं मुर्गन अश्विन तो बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं वाइस कैप्टन का, ठीक है। बाकी यहाँ से ए तनवर को मैंने लिया है, यहाँ पे एस अजीत राम को मैंने छोड़ा है और ए तनवर दोनों ही डेथ ओवर्स में डालते हैं, अच्छा खासा कर सकते हैं। ए अनवर हालांकि ज़्यादातर केसेस में डेथ
8th ओवर्स में डालते हैं, तो 8th ऑनवर्ड वाइल बोलिंग फर्स्ट एंड एस अजित राम, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बोलिंग करते हैं जितना मुझे याद है, तो वाइल बोलिंग सेकंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मैं चेंजेस करूँगा टॉस के बाद। आपको प्लेइंग 11 एंड टॉस रिपोर्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। होपफुली वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला है, और जितने भी प्लेयर्स का स्टैटिस्टिक्स मुझे अब तक नहीं मिला है, अगर मुझे मिलता है तो ज़रूर से मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अगर पसंद आए तो बिल्कुल एक लाइक छोड़ के जाइएगा।